हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम दीपिका है। जैसे कि सब जानते हैं कि मैं हमेशा मोदी केयर के प्रोडक्ट्स को ही प्रमोट करती हूँ, उन्हीं प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ ना कुछ एक्सप्लेन करती हूँ। तो जो मेरा आज का टॉपिक है वो ह्यूमिड वेदर के ऊपर है। बारिश का मौसम चल रहा है, बहुत ह्यूमिडिटी है इस टाइम पर, तो काफ़ी सारी क्वेरीज आती है मेरे पास कि इस ह्यूमिड वेदर में हमें हमारी स्किन का किस तरह से हम ध्यान रख सकते हैं। तो आजकल ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम होती है मॉइस्चराइज़र, जब भी हम लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, जब मॉइस्चराइज़र अप्लाई करते हैं तो बहुत ज़्यादा ऑयल छोड़ रही है स्किन, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। वैसे तो बारिश का मौसम सबको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इस वेदर में अपनी केयर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो पिंपल्स की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस तरह किस तरह से हम अपना ध्यान रख सकते हैं आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो सबसे पहले हम श्लोका का क्लेंजर लेंगे। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो हम टी ट्री जो हमारा ऑयल आती है, टी ट्री ऑयल वाला जो हमारा फेस वॉश आता है, हमें वो यूज़ करना चाहिए। अगर हमारी स्किन नॉर्मल है तो हम मोरक्कन यूज़ करते हैं। मोरक्कन एक्चुअली में काफ़ी लोगों का कहना है कि मोरक्कन यूज़ करने से ना हमारी स्किन जो ऑयली स्किन होती है उसमें ऑयल ज़्यादा हमारा बनता है, लेकिन एक्चुअली में जो मोरक्कन का काम होता है वो स्किन में नेचुरल ऑयल मेंटेन करता है, हमारी स्किन में कोई एक्स्ट्रा ऑयल नहीं मेंटेन करता। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि हाँ इस ह्यूमिड वेदर में हमारी स्किन में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप टी ट्री ऑयल वाला और हमारा नीम ज़ोटुला का दो फेस वॉशेज आते हैं। लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ कि फ्रूट ऑफ वर्ड जो हमारा टी ट्री ऑयल है, टी ट्री वाला फेस वॉश है, आप वो यूज़ करें। उसके बाद हमारे पास बहुत अच्छा एक मॉइस्चराइज़र है श्लोका का, पपया एंड हिबिकस। हिबिकस फ्लावर्स के बारे में सब जानते हैं, पपया हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो जो ये क्रीम है, जो हमारा ये मॉइस्चराइज़र है, ये वाटर रेंज में आता है, वाटर की रेशो में आता है। तो ये लगाने से हमें कोई चिपचिपाहट नहीं होती है, हमारे फेस के ऊपर कोई स्वेटिंग नहीं होती है। इवन आप इसे मेकअप के लिए भी यूज़ कर सकते हो, बीबी क्रीम में मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हो, तब भी आपकी स्किन में कोई इसी तरह का एक्स्ट्रा ऑयल नहीं छोड़ता है। तो ये बहुत अच्छा है। आप ये सिर्फ दो चीज़ें भी अगर आप यूज़ करते हो तो आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत स्मूथ हो जाती है। तो मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताना। जिस तरह से मैं हमेशा स्किन के ऊपर ही कुछ ना कुछ बताती हूँ करने के लिए, तो आज भी मेरा टॉपिक था वही था। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपकी कोई और क्वेरी है, आप चाहते हैं कि मैं वो वीडियोस बनाऊँ, तो आप मुझे उसके लिए भी मैसेज कर सकते हो। मैंने इंस्टाग्राम की आईडी मैंने अपनी यहीं पे इसी आईडी में डाली हुई है। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे वहाँ भी मैसेज कर सकते हो और मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। थैंक यू वेरी मच।